हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जितने भी लोग 12th के एग्जाम देने वाले हैं तो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को जरूर इंप्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच का थर्ड टॉपिक्स इक्विपोटेंशियल्स थर्ड टॉपिक्स के पार्ट 10 देखने वाले हैं, जो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी सम विभव पृष्ठ क्या होता है। यह आज के लेक्चर यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पार्ट 10 इक्विपोटेंशियल यानी सम विभव पृष्ठ को देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो यह क्वेश्चन 2 से 3 बार यह बोर्ड एग्जाम में पूछ भी चुका है, यानी यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेस क्या होता है और इसके गुण धर्म क्या होता है यानी प्रॉपर्टीज क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के। तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है यानी सम विभव पृष्ठ क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सम विभव पृष्ठ और इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका नाम से ही स्पष्ट है, सम माने क्या होता है, सम माने होता है बराबर, क्या होता है बराबर, और विभव माने क्या होता है विभव। ये नेक्स्ट लेक्चर्स में तो विभव तो देख चुके थे। अगर इंग्लिश में इक्विपोटेंशियल सरफेस को हम संधि विच्छेद कर देते हैं तो यहाँ पर इक्वी माने क्या होता है इक्वल, और पोटेंशियल माने क्या होता है विभव, यानी जिस सतह जिसके जिस बिंदु के सतह पर विभव एक समान होता है तब उस सतह को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब समझ के कोई भी पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट के विभव के मान एक समान होता है तब उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और इसको डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सम विभव पृष्ठ क्यों इंग्लिश बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस को दो भागों में तोड़ेंगे तो क्या होगा इक्वी प्लस पोटेंशियल, और इक्वी माने क्या होता है इक्वल, और पोटेंशियल माने क्या होता है पोटेंशियल, आप इक्वी माने क्या होता है बराबर, और पोटेंशियल माने क्या होता है विभव। जिस बिंदु पर विभव के मान समान रहे यानी एक समान रहे तब उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल नाम के इक्विपोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे करते हैं, बोलते हैं सम विभव किसी, देखिए इसको हम परिभाषा के तौर पर लिखते हैं तो किसी बिंदु का वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है तब उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानते हैं। तो लिखते हैं किसी बिंदु का वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक सतह पर विभव के मान समान होता है तब उसे हम सम विभव पृष्ठ कहते हैं, सम विभव पृष्ठ कहते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को, द इक्विपोटेंशियल सरफेस के, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के अर्थ होता है यानी मतलब होता है प्रत्येक बिंदु पर यानी प्रत्येक पॉइंट पर विभव के मान बराबर होता है तब उस पॉइंट्स को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानते हैं। यानी इसको डिफाइन कैसे करते हैं, किसी बिंदु का वैसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है तब उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं यानी सम विभव पृष्ठ कहते हैं, यानी सम विभव पृष्ठ कहते हैं, याद तो हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि सम विभव पृष्ठ वास्तविक रूप से होता क्या है और इस सम विभव पृष्ठ कैसे हम मानते हैं कि यह सम विभव पृष्ठ है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसी गोला पर हम लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं,
सम विभव पृष्ठ किसी बिंदु आवेश के कारण गोलाकार होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण गोलाकार होता है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर फर्स्ट एग्जाम्पल देखा है, सम विभव पृष्ठ किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, गोलाकार होता है। यानी किसी गोलाकार चीज पर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे हम बराबर समझते हैं। मान लेते हैं सपोर्टेड कोई गेंद हो गया, गेंद क्या होता है, गोलाकार होता है, और इस गेंद के अंदर एक सेंटर होता है, और उस सेंटर पर हम कोई क्यू चार्ज को हम रख देते हैं, और कोई क्यू चार्ज को हम रख देते हैं तो कुछ ना कुछ गेंद का यानी गोला का कुछ ना कुछ सेंटर होता है, रेडियस होता है, और उसके साथ कुछ सेंटर भी होता है गोला का। तो सेंटर क्या हो, कहां पर होता है, गोला के केंद्र पर ही सेंटर होता है, और गोला का कुछ ना कुछ रेडियस होता है, और उस गोला के बाहरी सतह पर एक बड़ा गोला ले लेते हैं, और बड़ा गोला लेंगे तो वहां पर जो रेडियस होगा बड़ा रेडियस होगा, लेकिन आपका सेंटर होगा वह बड़ा गोला और छोटा गोला दोनों के लिए एक समान होगा। तो देखिए एग्जांपल के तौर पर सम विभव पृष्ठ किसी बिंदु आवेश के कारण कैसा होता है, गोलाकार होता है। देखिए यहां पर मान लेते हैं कोई गोलाकार बना दिए, ये क्या है, कोई गोलाकार पृष्ठ है, और मान लेते हैं गोलाकार पृष्ठ है तो इस मान लेते हैं सपोर्टेड है कोई गेंद है, तो गेंद का कुछ ना कुछ सेंटर होता होगा। मान लेते हैं गेंद का सेंटर क्या होता है, बीच बीच में ये सेंटर होता है, और गेंद का कुछ ना कुछ सेंटर है तो कुछ ना कुछ इसका रेडियस भी होगा। तो मान लेते हैं यहां पर इधर के तरफ लेते हैं तो इधर के तरफ रेडियस क्या हो जाएगा, आर। इधर चारों दिशाओं में लेंगे रेडियस तो यहां पर इधर भी ले सकते हैं, यहां पर भी क्या हो सकता है, आर, और इधर भी लेंगे तो यहां पर रेडियस क्या हो जाएगा, आर। यानी कहीं भी लीजिएगा तो रेडियस आपका आर ए मिलेगा। और इधर के तरफ एक बड़ा गोला को इमेजिन कर लेते हैं, यहां पर कोई एक बड़ा गोला को इमेजिन कर लेते हैं, तो देखिए यहां पर कोई बड़ा गोला ले लिए, और इसका सेंटर पूछेगा तो इसका सेंटर आपका प्लस क्यू चार्ज, इसको हम मान लेते हैं कोई प्लस क्यू चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर बड़ा गोला के सेंटर पूछेगा तो सेंटर आपका प्लस क्यू चार्ज पर ही बड़ा और छोटा गोला दोनों गोला का सेंटर होगा, लेकिन रेडियस में अंतर पड़ जाएगा। रेडियस यहाँ पर बड़ा गोला है तो यहाँ पर रेडियस भी बड़ा आर होगा, यानी कैपिटल आर होगा, और यहां पर भी रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर होगा। कहीं पर लेंगे तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल आर होगा। अब देखिए यहां पर पॉइंट, यहां पर भी आपका मान लेते हैं सपोर्टेड वी ए, यहां पर मान लेते हैं विद्युत विभव का मान वी ए है, और इस पॉइंट पर विद्युत विभव का मान वी बी है, और इस पॉइंट पर विद्युत विभव का मान वी सी है, और बारह गोला के सतह पर विद्युत विभव का मान वी वी आर है। यानी यहां पर बारह गोला के सतह पर यहां पर मान लेते हैं वी पी है, और यहां पर भी वी क्यू है, और यहां पर क्या हो जाएगा, वी आर हो जाएगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। अब पूछ रहा है कि यहां पर सम विभव पृष्ठ क्या होगा, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि एक यहां पर छोटा गोला लिए हैं, एक यहां पर बड़ा गोला लिए हैं, और छोटा गोला और बड़ा गोला का आपका सेंटर क्या होगा, एक समान होगा, और एक समान होगा लेकिन रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस भी एक समान होगा, लेकिन जो बड़ा गोला होता है उसका रेडियस हम 12 आर ले लेंगे, और जो छोटा गोला होता है उसका रेडियस हम छोटा आर ले लेंगे। अब कह रहा है कि पॉइंट पी पर विद्युत विभव क्या होगा, और पॉइंट क्यू पर क्या होगा, और आर पर क्या होगा, तो कैसे निकालते हैं, और कैसे सम विभव पृष्ठ किसी बिंदु पर एक समान होता है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि यदि किसी क्यू आवेश से पास में जाते हैं तो वहां पर विद्युत विभव के मान अधिक होता है। किसी आवेश के हम पास में रहते हैं तो विद्युत विभव का मान क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन किसी आवेश से हम दूर के तरफ जाएंगे तो वहां पर विद्युत विभव के मान कम होगा। मान लेते हैं यहां पर कोई पी क्यू प्लस क्यू चार्ज कोई आवेश है, और इस आवेश के जो ये पास वाला सतह है यानी वी ए और वी बी और वी सी, एक कैसा सतह है, इस प्लस क्यू चार्ज के पास वाले सतह है, तो इस पास वाली सतह पर विद्युत विभव के मान अधिक होगा,
और यहाँ पर विद्युत विभव के मान भी एक समान होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर रेडियस भी एक समान है और यहाँ पर रेडियस भी एक समान है और सेंटर भी आपका वहीं पे यानी बीचों बीच सेंटर पे ही होगा। और यहाँ पर देखिए वी पी वी क्यू वी आर ये क्या है, प्लस क्यू आवेश के दूर वाली सतह है, तो यानी दूर वाली सतह पर विद्युत विभव के मान बहुत अधिक होता है, बहुत कम होता है। देखिए यहाँ पास वाली सतह पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, अधिक होता है, और दूर वाली सतह पर विद्युत विभव का मान कम होता है। यानी प्लस क्यू आवेश के साथ पास वाली सतह क्या है, वी ए वी बी वी सी, और दूर वाली सतह क्या है, वी पी वी क्यू और वी आर, यहाँ पर बहुत कम होगा। लेकिन पास वाली सतह पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, बहुत अधिक होता है, और दूर वाली सतह पर कम होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के पास वाली सतह क्या है, वी ए वी बी और वी सी है। तो यहाँ पर वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी ये क्या है, बराबर है तथा, और यहाँ पर दूर वाली सतह क्या है, प्लस क्यू आवेश के दूर वाली सतह क्या है, वी पी बराबर वी क्यू बराबर वी सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे, यानी सम विभव पृष्ठ में हम निकालते थे विभव के, यानी किसी बिंदु आवेश पर विभव के मान निकालते थे, तो स्टूडेंट्स v बराबर यहाँ पर होता था के क्यू अब बटा क्या हो जाएगा r। अब देखिए यहाँ पर भी के क्यू है, तो यहाँ पर भी मान लेते हैं यहाँ पर q है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा q, और r तो मान लेते इस पर भी निकालेंगे तो आपका यही वैल्यू होगा के क्यू बटा r, इस पॉइंट पर निकालेंगे तो के क्यू बटा r, और इस पॉइंट पर भी निकालेंगे विभव तो के क्यू बटा r। यानी कहने का मतलब हम तीनों पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश के तीनों पॉइंट पर विद्युत विभव के वैल्यू निकालेंगे तो वहां पर विभव का मान एक समान होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर निकालेंगे भी मान लेते हैं यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर के क्यू बटा आर होगा, इस पॉइंट पर निकालेंगे के क्यू बटा आर होगा, और इस पॉइंट पर भी निकालेंगे तो के क्यू बटा आर। यानी कहने का मतलब तीनों पॉइंट पर विद्युत विभव का मान एक समान आता है, तब इसको हम बोलते हैं सम विभव पृष्ठ, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर वी ए वी बी और वी सी तथा वी पी वी क्यू और वी सी वी आर, और देखिए यहाँ पर बता चुके हैं कि पास वाली सतह पर विद्युत विभव के मान, तो यहाँ पर लिख देते हैं यदि किसी आवेश के स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जान चुके हैं, यदि किसी आवेश के पास में रहते हैं तो वहां पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, वहां पर विद्युत विभव का मान अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो वहां पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, कम होगा। यदि किसी आवेश के पास वाली सतह पर विभव के मान अधिक होगा तथा दूर वाली सतह पर विभव का मान कम होगा। यहां तक तो हम समझ गए, कहने के मतलब यदि कोई क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस कोई क्यू आवेश, इसके पास वाली सतह वी ए और वी बी और वी पी वी सी पर विद्युत विभव के मान क्या होगा, अधिक होगा, और दूर वाली सतह क्या है, यहाँ से देखते हैं तो दूर वाली सतह पर क्या है, वी पी, इधर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वी क्यू, और इधर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, वी आर। इस पर विद्युत विभव के मान क्या होगा, कम होगा। यानी यदि किसी आवेश के पास वाली सतह पर, यानी प्लस क्यू आवेश के पास वाले वी ए वी बी और वी सी पर अधिक होगा, और दूर वाली सतह प्लस क्यू आवेश के दूर वाली सतह क्या, वी पी वी क्यू वी आर, यहाँ पर विद्युत विभव के मान कम होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अधिक किस में होता है, वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी ग्रेटर देन वी पी बराबर वी क्यू बराबर वी आर। यानी कहने का मतलब वी ए वी बी वी सी पर विद्युत विभव के मान क्या होगा, अधिक होगा, वी पी वी क्यू वी आर पर विद्युत विभव के मान कम होगा। यहां तक तो हम देख चुके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर विद्युत विभव का मान क्या है, वी ए,
बराबर भी थी, ये आपस में कभी बराबर नहीं होता है, यानी नॉट इक्वल टू भी थी, यानी भी ए बराबर नॉट इक्वल टू भी बी, यानी भी ए पर विद्युत विभव जो निकालेंगे और ये वीपी पर जो विद्युत विभव निकालेंगे, यानी इस पॉइंट पर जो विद्युत विभव निकालेंगे यानी वीए पर और वीपी पर जो विद्युत विभव निकालेंगे वो आपस में कभी बराबर नहीं होता है, लेकिन सम विभव पृष्ठ हमेशा बराबर होता है। यहाँ पर इस पॉइंट पर सम विभव निकालेंगे और इस पॉइंट पर भी निकालेंगे तो यह आपस में बराबर नहीं होगा, लेकिन जो पास वाली सतह है और पास वाली सतह पर विद्युत विभव का मान अधिक होता है और दूर वाली सतह पर विद्युत विभव का मान कम होता है। अब इस पॉइंट पर निकालेंगे और इस पॉइंट पर वी ए और वी बी और वी सी पॉइंट पर तीनों पर निकालेंगे तो विभव का मान के क्यू बटा आर ए ही आएगा, और इस पॉइंट पर निकालेंगे तो इस पॉइंट पर निकालेंगे तो आपका अलग अलग डाटा आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर वी ए बराबर नॉट इक्वल टू वी पी, यानी वी पर जो वी ए पर जो विद्युत विभव होगा यानी सम विभव पृष्ठ होगा वह वी पी पर आपस में कभी बराबर नहीं होता है। अब देखिए तो यहाँ तक तो हम समझ गए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सम विभव पृष्ठ किसी बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, गोलाकार होता है। यानी मान लेते हैं किसी भी बिंदु पर हम यहाँ पर कोई गोला दे दिया है, यानी प्लस क्यू चार्ज दे दिया है, इस पर भी निकालेंगे तो के क्यू बटा आर आएगा, और इसी पर भी इस पॉइंट पर भी निकालेंगे तो के क्यू बटा आर आएगा, और इस पॉइंट पर भी निकालेंगे तो के क्यू बटा आर आएगा। यानी प्रत्येक बिंदु पर हम सम विभव पृष्ठ निकालेंगे तो आपका एक समान होगा, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। यानी किसी भी बिंदु पर यानी प्लस क्यू आवेश से पास वाली जो सतह है उस पर किसी भी बिंदु पर हम निकालेंगे सम विभव पृष्ठ तो हमेशा एक समान होता है, और इसी एक समान को हम बोलते हैं सम विभव पृष्ठ के नाम से जानते हैं, और इसको इंग्लिश में इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसर का एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर तो पहला एग्जाम्पल हो गया, अब दूसर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर दूसर का एग्जाम्पल टू नंबर, रेखीय आवेश घनत्व के कारण सम विभव पृष्ठ बेलनकार होता है। अब देखिए यहाँ पर बेलनकार कह रहा है, रेखीय आवेश घनत्व के कारण सम विभव पृष्ठ क्या होता है, बेलनकार। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बेलन बनाएंगे, ये क्या है, कोई एक बेलन है, और इस बेलन के अंदर कोई क्यू, इस बेलन के अंदर कोई तार को मान लेते हैं, कोई सतह यानी चार्जलेस यानी तार को हम रख देते हैं, और इस तार पर हम प्लस क्यू चार्ज को हम दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस क्यू चार्ज टोटल पर प्लस क्यू चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई क्या होगा L, और यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई क्या हो जाएगा L, और इसका कुछ ना कुछ त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा R। ये क्या है, बेलन है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस तरह कोई हम रख लिए, अब इस पर कह रहा है कि सम विभव पृष्ठ क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर सम विभव पृष्ठ कैसे निकालते हैं, तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें चार पॉइंट मानेंगे, मान लेते हैं इस पॉइंट पर यहाँ पर वी ए मान लिए, यहाँ पर पी मान लिए, और यहाँ पर क्यू मान लिए, और यहाँ पर आर मान लिए, और यहाँ पर एस मान लिए, चार गो हम पॉइंट मान लिए। अब ये पूछ रहा है कि चारों पॉइंट पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, यानी सम विभव क्या होगा। अब यानी सम विभव पृष्ठ, यहाँ पर भी सम विभव पृष्ठ निकालेंगे तो आपको के क्यू बटा आर होगा, और इस पॉइंट पर भी निकालेंगे तो के क्यू बटा आर होगा, और इस पॉइंट पर भी निकालेंगे तो के क्यू बटा आर, और इस पॉइंट पर भी सम विभव पृष्ठ निकालेंगे तो के क्यू बटा आर। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर हम सम विभव पृष्ठ निकालेंगे तो आपका हमेशा एक समान होता है। और मानते हैं इसको हम VP लिखेंगे, और यहाँ पर VQ, और यहाँ पर VS, और यहाँ पर क्या लिखेंगे VR। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर विद्युत विभव VP बराबर VQ बराबर VAR बराबर VS, ये आपस में कभी भी क्या होता है, बराबर होता है। यानी किसी भी पॉइंट पर सम विभव पृष्ठ निकालेंगे तो आपका सम विभव पृष्ठ जो होगा हमेशा किसी सतह पर बराबर होता है। इस पॉइंट पर निकालेंगे सम विभव पृष्ठ एक समान होगा,
और इस पॉइंट पे समविभव पृष्ठ निकालेंगे और इस पॉइंट पर निकालेंगे वीपी पर और वीआर पर निकालेंगे तो दोनों का समविभव पृष्ठ बराबर होगा और इस पॉइंट पर विभव निकालेंगे और इस पॉइंट पर भी निकालेंगे विभव क्या होगा एक समान होगा। यानी किसी भी पॉइंट पर हम समविभव पृष्ठ निकालेंगे तो प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ का वैल्यू क्या होता है एक समान होता है, इसलिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं यानी समविभव पृष्ठ के नाम से जानते हैं। और देखिए यहां तक तो हम जान गए समविभव पृष्ठ, अब देखेंगे समविभव पृष्ठ के गुणधर्म क्या होता है। देखिए यहाँ पर यदि किसी विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ हमेशा लंबवत होता है, यदि किसी विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स लंबवत होता है। अब देखिए यहां पर लंबवत कैसे होगा, तो यहां पर लिखेंगे यदि किसी विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ लंबवत होता है। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ क्या होता है लंबवत होता है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर निकालते हैं तो वहां पर भी इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा किसी सतह के परपेंडिकुलर टू ईच अदर यानी हमेशा किसी सतह के लंबवत होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर समविद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र किस तरह हम दर्शाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस तरह हम कोई लाइन डॉट डॉट खींच देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, और ये क्या है विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है ई, इसको भी बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, को किसे डिनोट करते हैं ई से डिनोट करते हैं। और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई हम प्लेट को हम ले लेते हैं, इधर की तरफ मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लेट हम ले लिए, इधर की तरफ हम कोई प्लेट को हम ले लिए, फिर यहाँ पर भी एक प्लेट को हम ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हम कोई प्लेट को हम ले लिए, यहाँ पर भी कोई प्लेट को हम ले लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स इस प्लेट का समविभव पृष्ठ V1 मान लिए और इस पृष्ठ का समविभव पृष्ठ V2 मान लिए, यहां तक तो हम जान चुके। और देखिए इस एक समान विद्युत क्षेत्र से कुछ डिस्टेंस पर कोई दूसरा प्लेट ले लिए और यह प्लेट आपका आवेशित है यानी इस पर कुछ ना कुछ चार्ज अवेलेबल है, मान लेते हैं यहाँ पर कोई प्लस चार्ज है, मान लेते हैं इस पृष्ठ पर हम क्यू चार्ज हमको दे देते हैं, तो यानी इस प्लेट पर आपका क्या हो जाएगा प्लस चार्ज का एक्सपेंशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो हम मान लिए, अब देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं समविभव पृष्ठ, इसको क्या बोलते हैं समविभव पृष्ठ, इसको भी क्या बोलते हैं समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं VA, कोई पॉइंट मान लेते हैं VA और इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं VB और इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं VC। मान लेते हैं यहाँ पर विद्युत विभव का वैल्यू VA है और यहाँ पर विद्युत विभव का वैल्यू VB है और यहाँ पर क्या है VC, और मान लेते हैं यहाँ पर VP और यहाँ पर मान लेते हैं VR और इस पॉइंट पर मान लेते हैं VS यानी PQ मान लेते हैं और यहाँ पर क्या मान लेंगे R यानी VQ VP VP VQ और VR। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर तो हम समझ गए, अब इस पॉइंट पर विद्युत विभव का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर विद्युत विभव का वैल्यू क्या होगा आज के लेक्चर्स में हम जानेंगे। अब यहाँ पर विद्युत विभव निकालेंगे तो स्टूडेंट्स हम किसी पॉइंट पर विद्युत विभव का वैल्यू निकालते थे तो V बराबर आता था KQ/R, इतना आता था, और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पर निकालेंगे तो आपका KQ/R और सेकेंड पॉइंट पर निकालेंगे तो आपको उतना ही आएगा KQ/R। यानी यहाँ पर विद्युत विभव का मान कितना आया V1 पर KQ/R और V2 पर भी क्या आ जाएगा KQ/R। अब देखिए यहाँ पर भी विद्युत विभव का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर भी यानी VA VB और VC पर भी विद्युत विभव का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मान लेते हैं कोई क्यू चार्ज है तो हम बता चुके हैं कि प्लस मान लेते हैं कोई आवेश लेते हैं, आवेश के पास वाली सतह पर विद्युत विभव का मान क्या होता है अधिक होता है और दूर वाली सतह पर
विद्युत विभव का मान क्या होता है, कम होता है। यदि किसी आवेश से जैसे जैसे हम दूर के तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर विद्युत विभव के मान हमेशा कम होता है, लेकिन किसी आवेश से जैसे जैसे हम पास में आएंगे तो वहां पर विद्युत विभव का मान अधिक होता है। अब यहाँ पर कोई आवेश है यानी कोई चार्जलेस पॉइंट है, चार्जलेस प्लेट है, और इस चार्जलेस प्लेट के प्लेट के पास वाली सतह है यानी वी वन है, तो यहाँ पर विद्युत विभव का वैल्यू अधिक होगा और यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्लस क्यू आवेश से क्या पास वाली सतह क्या है, वी ए है, तो यानी वी ए को क्या होगा, अधिक होगा, और दूर वाली सतह क्या है, वी टू है, तो वी टू पर क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर वी वन ग्रेटर देन वी टू, एक तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछ भी सकता है, चल सकता है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। अब देखिए यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो हम बता चुके हैं प्लस क्यू आवेश के पास वाली सतह पर विद्युत विभव के मान अधिक होता है। अब यहाँ पर वी वन है पास वाली सतह, तो वी वन पर अधिक होगा किसके तुलना में, वी टू के तुलना में। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सम विभव पृष्ठ वी पी वी क्यू और वी आर, वी पी बराबर वी क्यू बराबर वी आर, ये क्या है, सब आपस में क्या है, बराबर है। और देखिए यहाँ पर भी तिसरका में क्या है, वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी, यहाँ पर तो देख चुके, यहाँ पर भी किसी भी पॉइंट पर सम विभव पृष्ठ निकालेंगे तो हमेशा बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर वी पी चौथा देखिए, वी पी बराबर नॉट इक्वल टू वी ए, इस पॉइंट पर सम विभव पृष्ठ यानी वी पी पर सम विभव पृष्ठ निकालेंगे और वी ए पर सम विभव पृष्ठ निकालेंगे तो यह कभी आपस में बराबर नहीं होता है। स्टूडेंट्स यहां तक तो हम समझ चुके। अब देखिए यहाँ पर सम विभव पृष्ठ किसी बिंदु आवेश के कारण किसी विद्युत क्षेत्र में सम विभव पृष्ठ क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। अब यहाँ से हम प्लेट को देखते हैं तो ये कैसे दिख रहा है, ये मान लेते हैं इस तरह हम विद्युत क्षेत्र को बना दिए और विद्युत क्षेत्र को इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं, और ये प्लेट कैसे रखा हुआ है, एक लंबवत रखा हुआ है यानी सम विभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे रखे हुए हैं, लंबवत। इस स्थिति में विद्युत विभव यानी पास वाली सतह पर विद्युत विभव का मान अधिक होगा और दूर वाली सतह पर विद्युत विभव के मान कम होगा, लेकिन यहाँ पर सम विभव पृष्ठ यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ पर निकालेंगे और यहाँ पर निकालेंगे तो यह आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी विभव का मान यहाँ पर बराबर होता है और यहाँ पर विद्युत विभव निकालेंगे और इस पॉइंट पर निकालेंगे और इस पॉइंट पर निकालेंगे, तीनों पॉइंट पर हम निकालेंगे तो विद्युत विभव का मान एक समान होगा। लेकिन सम विभव की बात रह गया तो यानी पास वाली सतह पर सम विभव पृष्ठ का वैल्यू क्या होता है, अधिक होता है, और दूर वाली सतह पर सम विभव पृष्ठ का वैल्यू क्या होता है, कम होता है, क्योंकि प्लस क्यू आवेश के पास वाली सतह क्या है, वी वन, और प्लस क्यू आवेश के दूर वाली सतह क्या है, वी टू, तो यानी सम विभव पृष्ठ वी वन पर अधिक होगा किससे तुलना में, वी टू से, यानी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वह वी वन पर अधिक होगा और वी टू पर कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी आवेश के पास वाली सतह पर विद्युत विभव का मान अधिक होता है और दूर वाली सतह पर विद्युत विभव का मान कम होता है। अब यहां तक तो हम जान चुके हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अब देखेंगे सम विभव पृष्ठ के गुण धर्म, सम विभव के गुण धर्म, सम विभव पृष्ठ के गुण धर्म, सम विभव के पृष्ठ के गुण धर्म यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसका क्या होता है, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर पहले प्रॉपर्टीज में लिखेंगे सम विभव पृष्ठ किसी बिंदु आवेश पर हमेशा विभव के मान हमेशा समान होता है, यानी पहले किस तरह लिखेंगे सम विभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है, यानी कोई भी पॉइंट हो वहां पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, एक समान होगा, यानी सम विभव पृष्ठ किसी बिंदु आवेश पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला लिख लेंगे सम विभव पृष्ठ किसी बिंदु आवेश के कारण सम विभव पृष्ठ एक समान होता है, यानी सम विभव
पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? एक समान होता है। वहां पर गोला पर भी निकालते थे, बेलन पर भी निकालते थे समविभव पृष्ठ, वहां पर क्या होता था? एक समान होता है। यानी किसी भी पॉइंट पर हम समविभव पृष्ठ निकालेंगे तो वहां पर प्रत्येक सतह पर यानी प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ समान होता है। तो लिखेंगे समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव के मान एक समान होता है, एक समान होता है। देखिए स्टूडेंट्स, वहां पर गोला पर भी निकाले थे सम विभव, और वहां पर बेलन पर भी निकाले थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी प्लेट पर भी निकाल चुके हैं समविभव पृष्ठ। यानी प्रत्येक बिंदु पर कहीं भी समविभव पृष्ठ निकालेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहां पर समविभव पृष्ठ के वैल्यू क्या होता है? एक समान होता है। तो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा गुण, समविभव पृष्ठ प्रत्येक बिंदु पर विभव के मान क्या होता है? समान होता है। यानी किसी भी पॉइंट पर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस निकालेंगे वहां पर सब पर बराबर होता है। अब दूसरा का गुण धर्म क्या लिखेंगे, समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में हमेशा लंबवत होता है। दूसरा का क्या हो जाएगा, समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में हमेशा लंबवत होता है। क्या होता है? लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में क्या होता है? लंबवत होता है। अब यहाँ पर दूसरा का गुणधर्म हो गया, और तीसरा का गुणधर्म क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, समविभव पृष्ठ में विभवांतर के मान शून्य हो सकता है, लेकिन विभव के मान शून्य नहीं हो सकता है। अब क्यों नहीं हो सकता है, इसका भी रीजन बताएंगे। समविभव पृष्ठ किसी विभवांतर के मान क्या होता है? शून्य हो जाएगा, लेकिन विभव के मान शून्य नहीं होगा। तो तीसरा का गुणधर्म में लिख लेंगे, समविभव पृष्ठ में विभवांतर के मान शून्य होगा तथा विभव के मान शून्य नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर विभवांतर के मान कैसे शून्य होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट पर हम सब विभव पृष्ठ निकालेंगे तो वहां पर विभव के मान क्या होता है? एक समान होता है। जब एक समान होगा विभव का मान, जब एक समान होगा विभव के मान, तो वहां पर विभवांतर के वैल्यू शून्य के बराबर मान ली जाती है। यानी मान लेते हैं वहां पर गोला लिए थे, तो उस गोला पर प्रत्येक सतह पर विद्युत विभव का वैल्यू निकालते थे तो वहां पर KQ बटा R आता था। इसी तरह अनेकों चार्ज पर हम विद्युत विभव का वैल्यू निकालेंगे तो KQ बटा R आएगा। यानी प्रत्येक सतह पर विद्युत विभव का वैल्यू एक समान आता था। जब एक समान आएगा तो वहां पर विभवांतर के वैल्यू किसके बराबर होगा? शून्य के बराबर होगा। लेकिन आपका विभव के वैल्यू शून्य के बराबर नहीं होता है। अब समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो वहां पर विद्युत विभव को में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य का मान क्या होता है? आप देखिए यहाँ पर चौथा कुछ ये आपका है गुणधर्म। समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर किसी समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक ले जाते हैं
तो उस बिंदु उस आवेश पर हमको कितना कार्य करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर W बराबर हम जानते हैं क्या होता है, वी क्यू होता है, क्या होता है वी क्यू। अब देखिए यहाँ पर विभवांतर के वैल्यू क्या है, शून्य है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे शून्य अगुणे क्यू, गुणे क्या हो जाएगा क्यू। अब देखिए क्यू में अब यहाँ पर जीरो से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो, यानी किया गया कार्य का वैल्यू क्या होगा शून्य के बराबर होगा। यानी यदि किसी सम विभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य किसके बराबर होता है शून्य के बराबर होता है।